हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। अज्जी जो वीडियो अपने कोल वो अपने कोल लाज ऑफ एक्सपोनेंट दे उपर, लाज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 दे विच यूज होंगे। वैसे आप क्लास 8th ते क्लास 7th विच ही पढ़ चुके हैं, पर फिर भी आप इन्हों के कुछ रिवाइज करते हैं कि अपने को ला यूजफुल। तो सब तो पहला अपने कोल जो फस्ट ला है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। जो ए अपने को दैट इज बेस एंड एम इज़ पावर। ए बेस है, एन की है पावर है। जो अपने को दोवें बेस सेम है, जो बेस सेम है तो पावर की होएगी ऐड होएगी, दैट इज ए पावर एम प्लस एन। जो बेस सेम है पावर अपने को होएगी ऐड। जिमें एक एग्जाम्पल लें, आप टू पावर थ्री मल्टीप्लाई टू पावर फोर। देखो दोवों का बेस की है सेम है, तो यह अपने को बन गया टू रेस टू पावर थ्री प्लस फोर विच इज इक्वल टू टू रेस टू पावर सैवन। जो बेस सेम है पावर की होगी अपने को ऐड, क्योंकि दोवें अपने को होना चाहिए मल्टीप्लाई दे। नैक्सट सैकेंड लॉ ए पावर एम डिवाइड बाय ए पावर एन। हुण बेस तो सेम है पर दोवें टर्म आपस के डिवाइड दे, तो इन आप किवें सोल्व करते हैं, ए रेस टू पावर एम माइनस एन। जो अपने को दोवे डिवाइड च है पर बेस की है सेम है, तो पावर की होएगी माइनस होएगी। जिमें एक एग्जाम्पल सैवन पावर फाइव डिवाइड बाय सैवन पावर टू, तो इन आप इक्वल लिखांगे सैवन रेस टू पावर फाइव माइनस टू, क्योंकि दोवों का बेस सेम है तो पावर आपस के होगी माइनस। माइनस क्यों आई है, क्योंकि दोवें आपस के डिवाइड दे। सो दैट इज इक्वल टू सैवन रेस टू पावर थ्री। जो मल्टीप्लाई च है पावर ऐड होनगियाँ, बेस सेम होगा। जो डिवाइड में है बेस सेम है पावर की होएगी माइनस। उस तो बाद थर्ड लाओ, थर्ड की कह रहा है ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एम। हुण देखो इतने पावर दोवें की आपस के सेम है, जो पावर सेम है तो बेस की होंगे मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एम। जो पावर सेम है बेस की होंगे आपस के मल्टीप्लाई। जिमें एग्जाम्पल टू पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री पावर फोर, दोवों की पावर फोर है सेम है, तो आप इनू की करांगे टू मल्टीप्लाई थ्री होल पावर फोर, या आप इनू लिख सकते हैं सिक्स रेस टू पावर फोर, क्योंकि टू थ्री जा कितना होता सिक्स, पावर कितनी आ गई अपने को फोर आ गई। ऐसे अपने को थर्ड लाओ, हुण आ गया फोर्थ। फोर्थ की कह रहा है ए पावर एम डिवाइड बाय बी पावर एम। देखो पावर सेम है पर दोवें टर्म आपस के डिवाइड दे, तो इन आप कि लिखांगे, आप कॉमन पावर लिखांगे ए डिवाइड बाय बी पावर की आ गई एम आ गई। जिमें एक एग्जाम्पल है थ्री पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव पावर फाइव, दोवों की पावर देखो सेम है, तो इनू आप किस तरीके लिख सकते हैं थ्री डिवाइड बाय फाइव होल पावर फाइव, क्योंकि दोवें की है पावर दोवों की कॉमन आ गई, दोवें टर्म आपस के हो गई डिवाइड थ्री बाय फाइव होल रेस टू पावर फाइव। नैक्सट फिफ्थ लॉ, चार आप पढ़ चुके हैं, हुण आ गया अपने को फिफ्थ। फिफ्थ की कह रहे हैं अपन ए पावर जीरो एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एट्थ क्लास भी आप चंगी तरह पढ़िया, किसी की पावर जीरो का दे इक्वल होंगी है वन दे। जिमें अपने क्वेश्चन आ गया हंड्रड रेस टू पावर जीरो, चाहे हंड्रड है थाउजेंड है करोड़ है जिन्ना मर्जी है, आंसर कितना आएगा अपने को वन ही आएगा, ठीक है। एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। नैक्सट सिक्सथ ए पावर एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। हुण की पावर दे अगे पावर आ गई, एक पावर एम है दूजी पावर एन है, तो दोवें पावर आपस की हो गया मल्टीप्लाई, एम मल्टीप्लाई बाय एन, दोवें पावर आपस की हो गया मल्टीप्लाई। जिमें एग्जाम्पल है थ्री पावर टू होल पावर थ्री, तो इन आप किस तरीके लिखांगे थ्री रेस टू टू मल्टीप्लाई थ्री, तो आप लिख सकते हैं थ्री रेस टू पावर सिक्स, क्योंकि थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स हो गया, ठीक है। नैक्सट सैवंथ, सैवंथ ला की है ए पावर माइनस एन। देखो जो उपरले पासे पावर माइनस है, तेनों आप रेसीप्रोकल करांगे कितना आ गया वन बाय ए पावर एन आ जाएगा, ठीक है। जब उपर पावर अपने को नैगेटिव है थले आगे पावर की हो जाएगी पॉजिटिव, जिमें कि अपने को
टू की पावर माइनस वन है, थले आए कि हो गया वन बाय टू की पावर वन, या आप कह सकते हैं वन बाय टू। ओके, जो उपर पावर नैगेटिव है थले आके पावर की होगी पॉजिटिव होगी, तो जो उपर अपने को थले वाले पास पावर नैगेटिव है ठीक है, उपर जाके की हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, उपर जाके की होगी टू रेज टू पावर एन हो गया। ओके, उपर नैगेटिव है थले पॉजिटिव, थले नैगेटिव है उपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये अपने को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे से। नैक्सट वीडियो के आप एक्सरसाइज 1.6 सोल्व करा, जिंद कुछ क्वेश्चन है इन्होंने लॉज के उपर बेस्ड वो आप सोल्व करा।